बेटी होती है वो पूरा खानदान है, आप पूरे खानदान को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो ग्रेस है, वो सिर्फ आपकी नहीं होती, वो पूरी फैमिली की होती है। आपकी डिग्निटी, आपकी ग्रेस, आपकी रिस्पेक्ट मीन्स द ग्रेस, द डिग्निटी, द रिस्पेक्ट ऑफ होल फैमिली। जिस भी इदारे को ज्वाइन करें, जिस भी फील्ड को ज्वाइन करें, अपनी ग्रेस, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं एक बात अपनी बेटियों को हमेशा ही कहती हूँ और आज भी आपको ये कह के रुखसत करूँगी कि जान सबसे प्यारी होती है, लेकिन बेटियों की इज्जत जान से भी प्यारी होती है। जहाँ सवार इज्जत का आ जाए तो जान देने से भी ग्रेस नहीं करती, ठीक है? और अगर ये जान वतन की खातिर चली जाए तो क्या ही बात है। जिस भी फील्ड को ज्वाइन करें, जिस भी जगह को ज्वाइन करें, ये सोच कर ज्वाइन करें कि आपने पाकिस्तान की वर्क फोर्स ज्वाइन कर ली, आपने अपने मुल्क की वर्क फोर्स ज्वाइन कर ली है, आपने कॉन्ट्रीब्यूट करना है, हमें आपकी ज़रूरत है, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमें आपकी ज़रूरत है मजबूत रहने के लिए, कामयाब रहने के लिए, इतनी ही ग्रेसफुल लाइफ गुजारने के लिए हमें आपके काम की ज़रूरत है। और आपका काम जितना अच्छा होगा, जितनी सिंसियरिटी से, लॉयलिटी से आप मुल्क के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ही हमारे लेट एजेस, ओल्ड एजेस सिक्योर होंगे और हम फख्र से कह सकेंगे कि हाँ जी, ये हमारी बेटी है। मेरी बेटी एक बड़ा अच्छा शेर पढ़ती है, मैं उसी शेर को कोट करती हूँ। वो कहती है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। थैंक यू सर।